तो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या जांचे कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद गुणनखंड है कि नहीं, मतलब ये जो है एक दूसरे का गुणनखंड है कि नहीं है, हमें चेक करके बताना है ना। ठीक है, हमारे पास क्या है, ये और ये, छोटा घात कौन सा है? छोटा घात ये है, क्योंकि ये क्या है, 3 पावर है, क्या है, 2 पावर है। इसका मतलब ये इसका गुणनखंड है कि नहीं, तो छोटा घात से बड़ा घात में क्या करेंगे, भाग दे देंगे, मतलब x² - x + 1। ठीक है, x³ + 4। अब क्या है, गुणनखंड होने के लिए क्या है, हमारे पास जो भी शेषफल आएगा वो 0 आना चाहिए, तब ना गुणनखंड होगा, तब ना वो कट जाएगा पूरा का पूरा, है ना। तो इसका मतलब क्या है, हम भाग देंगे तो हमें सबसे पहले इसको देखना होता है, बाकी से मतलब नहीं होता, हमें क्या है केवल पहला टर्म को देखना होता है, यहाँ भी पहला टर्म को। इसको काटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स से गुना करना पड़ेगा, और एक्स क्या सेम साइन हो तो घटाएंगे तो ठीक है, क्योंकि तो हमें इसके सेम साइन लाना होता है, प्लस है तो प्लस, माइनस तो माइनस। एक्स और x² मिलकर क्या हो जाएगा, x³, है ना। अब माइनस, और यहाँ सॉरी ये बाद में करेंगे, x·(-x) क्या हो जाएगा, -x² x·1 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, अब ये प्लस था तो माइनस में, ये माइनस से प्लस में, और ये माइनस में, ठीक है ना। तो हमारे पास ये तो कैंसिल हो गया, ये क्या बच गया हमारे पास, x² आ गया, -x आ गया, और +4 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब कितना बार में लगेगा, एक बार में, कितना बार में, क्योंकि तो x² है और यहाँ भी x², एक बार में लगाएंगे, +sin + sin, तो x² - x + 1। ठीक है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल था हमारे पास, ये भी कैंसिल हो गया, बचा क्या, 4 में से 1 गया, 3 बच गया। ठीक है, तो क्या अब हम भाग दे सकते हैं, बिल्कुल नहीं भाग दे सकते, क्योंकि यहाँ देखिए ये जो भाजक हमारे पास है और ये शेषफल है, भाजक से शेषफल का घात क्या हो गया, कम हो गया, तो शेषफल का घात भाजक से कम हो जाता है तो हम फिर भाग नहीं देते। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, भागफल जो आया है वो कितना आया है, x+1 आया है, और शेषफल कितना आया है, शेषफल जो आया है हमारे पास कितना आया है, 3 आया। ठीक है, अब देखिए आगे नहीं, शेषफल हमारे पास 0 नहीं ना आया, इसका मतलब क्या है, ये प्रथम बहुपद है, द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, इसी तरीके के सारे सवाल हैं, अगर ये भी बनाए तो ये भी क्या उसी तरीके से आपको बन जाएंगे, ये भी भाग देना, ये भी क्या करना, भाग देना है। ठीक है, ये भी भाग देना, मैं एक सवाल और बना देता हूँ। ठीक है, अब इसी को क्या करना है, भाग देना है ना। तो क्या है, t² - 3 भाग देना किसमें, 2t⁴ + 3t³ - 2t² - 90 - 12। ठीक है, अब क्या, t², अब ये 2t⁴ है, इसका मतलब 2t² से गुना करना पड़ेगा, तो 2t² से हमने गुना कर दिया, तो t² × 2t² क्या हो जाएगा, 2t⁴। अब 2t² - 3 कितना हो जाएगा, 2 × 3 = 6, 6t². अब t² वाले यहाँ, तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 6t², क्योंकि माइनस में ना है। अब क्या करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल, उतार देते ऊपर वाला, 3t³, ये प्लस में 6 है, ये माइनस में 2 है, इसका मतलब +4t² - 90 और -12। ठीक है, अब t³ आ गया, यहाँ t² है, तो इसका मतलब 3t से गुना करना पड़ेगा, 3t³ आ जाएगा, माइनस 3 × 3 = 9, -9t हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस में, ये प्लस में, ये कैंसिल और ये भी कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गया, 4t² - 12। ठीक है, 4t² - 12 हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे, 4t² है, इसका मतलब केवल 4 से गुना कर दे, क्या जाएगा, 4t² - 4t 12 - 12, ये माइनस, ये प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, मतलब क्या हो गया, 0 आ गया। तो यहाँ पे शेषफल 0 आ गया, इसलिए कह सकते हैं t² - 3 इसका क्या होगा, गुणनखंड होगा। ठीक है, क्या होगा, गुणनखंड होगा। ठीक है ना, यहाँ पे हाँ लिख सकते हैं, हाँ होगा। ठीक है, अगर शेषफल का बात किया, शेषफल क्या है, 0 है, और भागफल क्या है हमारे पास, ये। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको भी बना सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, बना देते ये भी, y² - 3y + 1। ठीक है, y⁵ - 4y³ + y² + 3y + 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा,
वाई टू द पावर 5 है, वाई टू द पावर 2 है, तो इसका मतलब वाई का पावर 3 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। और ये वाई का पावर 1 और 3 4 हो जाएगा, माइनस 3 वाई टू द पावर 4 जो कि नहीं है, कहीं नहीं तो साइड में लिख देते कहीं पे 3 टू द पावर वाई टू द फोर। ये ऑपरेशन किसी के साथ नहीं होगा, ये माइनस में, ये प्लस में, ये कैंसिल, और ये किसी के साथ मैच किया नहीं, तो इसको अलग से लिख देंगे 3 वाई टू द पावर 4 माइनस 4 वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 वाई प्लस 1, ठीक है। अब कितना 3 वाई 4 है, तो 3 गुने वाई स्क्वायर से गुना करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 3 वाई 4 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी माइनस ये माइनस 3 गुने 3 9 और वाई का पावर 3, ठीक है। फिर इसके बाद 3 वाई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3 वाई स्क्वायर ही हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में, ये कैंसिल, ये प्लस में कितना आ जाएगा 5 वाई क्यूब आ जाएगा, ठीक है ना। ये कितना आएगा माइनस 2 वाई स्क्वायर आ जाएगा, ये क्या 3 वाई प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब फिर से कितना 5 वाई क्यूब है, तो कितना 5 इंटू वाई, इससे गुना करेंगे तो ये 5 वाई क्यूब आ गया, 5 या 15 माइनस 15 वाई स्क्वायर आ गया, 5 वाई आ गया, ठीक है ना। ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में, ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया 13 वाई स्क्वायर प्लस 3 सॉरी माइनस 2 वाई, यहाँ क्या होगा माइनस 2 वाई प्लस 1, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब कितना 13 से गुना करेंगे, कितना 13 से, 13 वाई स्क्वायर, ठीक है, 13 39 माइनस 39 वाई, ठीक है, और प्लस 13। अब क्या होगा ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल, ये कितना हो गया 37 वाई, और ये क्या हो गया माइनस 12, ठीक है। तो आगे भागा नहीं दे सकते क्योंकि पावर क्या आ गया भाजक से कम आ गया, तो ये क्या है नहीं होगा, ठीक है ना। इस तरीके से सारा, इस तरीके से सवाल आपका बन जाएगा, ये क्या हो गया भागफल हो गया, ये शेषफल हो गया, ठीक है ना। तो अगला सवाल क्या कर रहा है, पी एक्स गिवन है, दिया हुआ है, ठीक है, तो बहुपद क्यू एक्स निकाले, क्या निकालना हमें बहुपद क्यू एक्स निकालना है, ताकि पी एक्स और क्यू एक्स का गुना करने पर क्या आ जाए एक्स क्यूब माइनस वन आ जाए, है ना। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है पी एक्स गुने क्यू एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस वन, निकालना है क्या क्यू एक्स, तो क्यू एक्स बराबर लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस वन, ये इधर आके भागा में हो जाएगा मतलब पी एक्स हो जाएगा, इसका मतलब क्यू एक्स बराबर आ गया एक्स क्यूब माइनस वन बटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। चाहे तो इसका दो दो तरीका हो सकता है, इसको अगर आगे सोल्व करें तो एक्स क्यूब मतलब ये एक्स क्यूब माइनस वन क्यूब के फॉर्म में आ गया इसी के रूप में, ठीक है। और आपको पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए स्क्वायर ए माइनस बी गुने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी मतलब एक्स गुने एक, ठीक है। ये किस में हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में, यही होता है ना ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी गुने ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसी फॉर्मूला पर लिख दिया। यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है, इसको काटेंगे तो हमारे पास क्या आएगा एक्स प्लस वन, तो ये एक्स माइनस वन, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आप चाहे तो यहाँ से दूसरा तरीका से भी सोल्व कर सकते हैं, क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन से भागा दे दीजिए, ठीक है, इसमें एक्स क्यूब माइनस वन भागा देंगे, एक्स क्यूब को लगाना एक्स स्क्वायर से, तो कितना बार में लगेगा एक्स बार में लगेगा, तो एक्स क्यूब आ गया माइन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस में और प्लस में एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो गया, तो आ गया क्या माइनस एक्स स्क्वायर आया और माइनस एक्स आ गया, ठीक है, और माइनस वन भी आया सॉरी, ठीक है ना। अब क्या है ये जितना प्लस है ये सारा का सारा माइनस है, तो माइनस वन से अगर कर लगा देंगे तो सारा लग जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, ये प्लस में, ये प्लस में, ये प्लस में, कैंसिल 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 मतलब जीरो। इसका मतलब किससे लगा एक्स माइनस वन,
तो हमारे पास qx क्या आ गया, qx बराबर x माइनस वन। ठीक है, अगला सवाल है, चौथा का पहला बहुपद इतना दिया हुआ है, qx से भाग देने पर भागफल कितना रहा, x स्क्वायर प्लस x प्लस वन। ठीक है, और शेषफल इतना रहा, तो qx मालूम कर। तो हमारे पास क्या है, अगर इसके हिसाब से कहा जाए तो px क्या होता है, हमारे पास px क्या होता है, हमारे पास जिसको हमें भाग देना होता है, मतलब भाज्य। ठीक है, और भाग किसके देना, qx से भाग देना, तो qx qx क्या हो गया, भाजक। ठीक है, और gx मान लेते हैं, gx क्या होता है, भागफल, और rx क्या होता है, rx हमारे पास होता है शेषफल। ठीक है, यही तो डिवीजन एल्गोरिदम या भाग एल्गोरिदम कहलाता है ना। तो हमारे पास px दिया हुआ है, px क्या दिया हुआ, x टू द पावर 5 प्लस x टू द पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इतना दिया हुआ। ठीक है ना, बराबर qx हमें क्या करना है, qx निकालना, तो qx को अभी छोड़ दें। ठीक है, इंटू जी एक्स, जी एक्स मतलब भागफल, भागफल दिया हुआ कितना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है ना, इसके अलावा शेषफल दिया हुआ, आर एक्स का वैल्यू दिया हुआ कितना, एक्स प्लस वन। ठीक है ना, तो अब इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, एक्स टू द पावर 5 प्लस एक्स टू द पावर 4 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 माइनस, ये माइनस एक्स आ जाएगा और ये माइनस वन आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, क्यू एक्स गुने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, अब यहाँ से लिखेंगे तो क्या आएगा, एक्स टू पावर 5 एक्स का पावर 4 एक्स का पावर 3 एक्स का पावर 2। अब यहाँ से एक्स ये घट जाएगा तो क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, और ये भी क्या हो गया, 2 माइनस 1 एक हो जाएगा। ठीक है ना, अब क्या करना है, qx, अब ये अगर गुना में है तो इधर आके भागा में आ जाएगा, तो qx बराबर क्या हो जाएगा, इतना बटा x स्क्वायर प्लस x प्लस वन। क्या ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये गुना में, तो नीचे आके क्या भागा में हो जाएगा। अब क्या करना है, हमें भाग देना। ठीक है, क्या करना है, भाग देना है इसमें से। अब भाग देने के लिए करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसको अब qx कैसे निकलेगा, इसे भाग देने पे निकलेगा, निकलेगा ना, तो इसका मतलब भाग देते हैं, x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन से भाग दें किस में, x का पावर 5 x का पावर 4 x का पावर 3 x का पावर 2 x का पावर 1 और प्लस वन भाग देंगे, x स्क्वायर से लगाना है, तो देखिए ये x स्क्वायर है, पहला पहला के उल्टा में देखते हैं क्या, x क्यूब से लगा देंगे, क्या हो जाएगा, x का पावर 5 और ये x क्यूब, तो ये हो जाएगा x का पावर 4 और ये x क्यूब गुने क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, माइनस में माइनस में माइनस में, क्या ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, जीरो आ गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या देखेंगे, आगे क्या, x स्क्वायर प्लस x प्लस वन, अब क्या डायरेक्ट कितना बार में, एक बार में लग जाएगा, क्या होगा, x स्क्वायर प्लस x प्लस वन, माइनस में माइनस में माइनस में कट गया, तो क्या हो गया, जीरो, क्या हो गया, जीरो। इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, qx का वैल्यू, qx का वैल्यू इसका भागफल ही आएगा ना, भाग देने पर भागफल क्या आया, x क्यूब प्लस वन, यही क्या हो जाएगा, qx हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा मैं कह रहा, किसी बहुपद px में इतना से भाग देने पर भागफल क्या x है और शेषफल क्या है, इतना बचता है तो px पता करना है ना। तो हमारे पास फिर से देखिए क्या होता है, px बराबर, ठीक है, px में इतना से भाग देने पर, अब यहाँ से किताब के अनुसार qx से हम भाग देते हैं, मतलब ये क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा, gx क्या हो जाएगा, भागफल हो जाएगा, rx क्या हो जाएगा, rx हमारे लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा, तो px हमें निकालना है। और qx क्या है, qx क्या है, जिसे भाग दिया जाएगा, भाग किसके दिया जा रहा है, x क्यूब प्लस वन से भाग दिया जा रहा है, भाग देने पर भागफल कितना, भागफल कितना गया, x आ गया। ठीक है, और शेषफल जो है इतना बच रहा है, टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, इतना बच रहा है। ठीक है ना, तो px ज्ञात करना, तो क्या करें, गुना करेंगे,
एक्स गुने एक्स क्यूब एक्स का पावर 4, एक्स गुने 1 क्या एक्स, ठीक है, प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो क्या हो जाएगा x का पावर 4। अब ये x और x कट गया तो क्या बच जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1, आपके यही क्या हो गया px आंसर हो गया। अगला सवाल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण, एग्जाम में आते रहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इस तरीके के सवाल बराबर आते रहते हैं। तो कह रहा बहुपद दिया हुआ है कि सभी शून्य ज्ञात करना, मतलब कितना शून्य होगा, ज्यादा से ज्यादा 3 होगा क्योंकि घात कितना 3 है, ठीक है। तो यहां से अगर देखा जाए तो इसके दो शून्य माइनस रूट 3 है और प्लस, मैंने क्या कहा था कोई भी पॉलीनोमियल गिवन है दिया हुआ है और उसका अगर शून्यक दिया हुआ, शून्यक अगर a दिया हुआ, ठीक है, तो इसका मतलब x माइनस a क्या होगा, उसका एक गुणनखंड होगा, क्या होगा x माइनस a गुणन। उसी तरीके से यहाँ पे माइनस रूट 3 और रूट 3 दे दिया, इसका मतलब x माइनस माइनस रूट 3 और x माइनस रूट 3, ये दोनों क्या होगा इस बहुपद का गुणनखंड होगा, होगा इसका मतलब x प्लस रूट 3 और x माइनस रूट 3 क्या होगा गुणनखंड होगा, इसका मतलब ये दोनों का गुना करेंगे तो भी क्या होगा इसका गुणनखंड ही होगा, ये ना आप जानते हैं कि अगर ये दोनों क्या है गुणनखंड है तो इसका गुना भी क्या होगा इसका गुणनखंड होगा। कहने का मतलब क्या हो गया, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा दें, 12 है इसका गुणनखंड 1, 2, 3, 4, ठीक है, तो इसमें से अगर कोई भी दो को गुना करते हैं तो क्या होता है गुणनखंड रहता कि नहीं रहता, 1 × 2 क्या होता है, 1 × 2 क्या होगा 2 इसका गुणनखंड है, 2 × 3 इसका गुणनखंड है, 3 × 4 इसका गुणनखंड है ना, ये सारा क्या है इसका गुणनखंड रहेगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या आ गया x प्लस रूट 3, इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, कहने का मतलब क्या आ गया x स्क्वायर माइनस 3 आ गया, ठीक है ना, तो ये भी गुणनखंड होगा। अब शून्य पता करना है तो इससे हम क्या करेंगे, इससे इसमें हम क्या करेंगे भागा दे देंगे, तो जो भी भागफल आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा अगला शून्य हो जाएगा, भाग दे रहे हैं कितना बार में लगेगा x स्क्वायर, ओहो क्यूब है ना, कितना लगेगा 2x से लगेगा, तो क्या हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 6x, ठीक है, ये माइनस में ये प्लस में, ये कैंसिल ये भी कैंसिल, क्या बच गया x स्क्वायर माइनस 3, अब कितना बार में एक बार में x स्क्वायर माइनस 3, क्या हो गया ये माइनस ये प्लस कट गया 0 हो गया, इसका मतलब क्या है 2x प्लस 1, इसका मतलब लिख सकते हैं 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3 बराबर क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 3 गुने 2x प्लस 1, क्योंकि इतना गुने इतना प्लस 0, प्लस 0 लिखे है ना लिखे बात बराबर है। अब क्या है हमारे पास क्या आ गया, हमें शून्यक निकालने के लिए क्या करना पड़ता है बहुपद को 0 करना पड़ता, मतलब बराबर क्या होगा 0 होगा, तो इससे हमारे पास निकल गया है, इससे हमारे पास क्या निकला हुआ है माइनस रूट 3 और रूट 3 निकला हुआ, अब बचा किससे इससे ना, तो 2x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा 2x बराबर 1, तो x बराबर सॉरी ये माइनस 1 होगा तो माइनस 1/2, ठीक है, तो अगला शून्य क्या निकल गया माइनस 1/2। इसी तरीके से हम करते कोई भी दिया हुआ हमारे पास कोई भी दिया हुआ शून्य, तो x माइनस शून्य क्या होता है उसका एक गुणनखंड होता है, अगर दूसरा भी दिया तो दूसरा को गुना करके भी क्या होगा गुणनखंड होगा, और इसी तरीके से सोल्व करना होगा। उसी तरीके से देखिए सेम क्वेश्चन, यदि बहुपद इतना दिया हुआ दो शून्य दिया हुआ है तो शेष शून्यकों को ज्ञात करें, क्या हो जाएगा इसमें फिर से वही काम, क्या हो जाएगा एक्स माइनस रूट 2 और एक्स प्लस रूट 2, ये दोनों क्या होगा गुणनखंड होगा, तो इसका गुना भी क्या होगा गुणनखंड होगा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर कितना 2, इससे क्या करेंगे भागा दे देंगे x स्क्वायर माइनस 2 से भागा देंगे किसमें 2x का पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, ठीक है, तो इसका मतलब कितना से लगेगा 2x स्क्वायर से लगेगा, तो 2x स्क्वायर आ गया सॉरी पावर 4 आ गया, 2x स्क्वायर माइनस 2 कितना हो गया माइनस 4x स्क्वायर,
ठीक है, ये माइनस में, ठीक है, ये प्लस में, ये कैंसिल, हमारे पास आ गया 3x³, ये प्लस में ये माइनस, मतलब प्लस x² प्लस 6x माइनस 2, ठीक है ना। अब कितना बार में लगेगा, माइनस 3x से लगेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस 3x³ हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस प्लस 6x हो जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में, ये कैंसिल ये कैंसिल, तो बचा क्या x² माइनस 2 बच गया। अब कितना बार में, एक बार में, तो क्या हो गया x² माइनस 2, तो क्या हो गया, कट गया पूरा, है ना। इसका मतलब हमारे पास क्या आया, 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x² माइनस 2 गुने 2x² माइनस 3x प्लस 1, और शून्य निकालने के लिए हम जीरो करते हैं, है ना। तो इसको जीरो करेंगे तो हमारे पास दो निकला हुआ पहले से, माइनस रूट टू और प्लस रूट टू। अब क्या, इसको जीरो करेंगे, मतलब 2x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर जीरो। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कितना बार में है, गुना करेंगे तो 2x², ठीक है। तो इसको ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, माइनस 2x और माइनस x में प्लस 1 बराबर जीरो। देखिए जोड़ने पे माइनस 3x आ रहा और गुना करने पे प्लस 2x² आ रहा। तो इसका मतलब कॉमन कर ले 2x, तो आएगा x माइनस 1, और यहाँ से माइनस 1 कॉमन करे तो x माइनस 1 बराबर जीरो। x माइनस 1 कॉमन कर ले तो क्या आ जाएगा, 2x माइनस 1 बराबर जीरो। तो x माइनस 1 बराबर जीरो करेंगे तो क्या होगा, x बराबर 1, और 2x माइनस 1 बराबर जीरो करेंगे तो 2x बराबर 1 और x बराबर 1/2। यही दोनों क्या हो गया, शून्य हमारा निकल गया। अगला क्या दिया हुआ, यदि बहुपद इतना के दो शून्य दिया हुआ है तो शेष शून्य को ज्ञात करें। बिल्कुल वही सवाल, क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको क्या करना है, x माइनस 2 और x प्लस 4, अब इसका गुना कर लीजिए। गुना करने के बाद क्या, जो भी आएगा उससे क्या कर दीजिए, इसमें भाग दे दीजिए, द्विघात बहुपद आएगा, उसको फैक्टराइज करके गुणनखंड करके दो शून्य आ जाएगा, ठीक है।